नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश भर में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनों ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। इसी के कारण सागर में होने वाले विरोध प्रदर्शन को हिंसात्मक प्रदर्शनों को देखते हुए तथा क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के कारण प्रदर्शनकारियों ने रद्द कर दिया है। वहीं SDM के माध्यम से राष्ट्रपति के पास इस बिल को नामंजूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस मुद्दे को लेकर के सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान खुरैशी ने राहतगढ़ के प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। आइए देखते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने इस एक्ट के विरोध में क्या पक्ष रखे हैं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जी तो बताइए मुक्ति साहब, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? इस वक्त जो मुल्क के अंदर कानून का जो है एक पास करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसको NRC कहते हैं, जो पूरे मुल्क में लागू करने का जो है एक प्रयास है, उसके विरोध में हम लोगों ने उसके लिए ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के लिए। और जो लोगों ने, छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस आज़ादगी को जो है और उस कानून के ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ खोल लगाई, उसके लिए जो है मारपीट और बर्बरियत के साथ जो पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है, उसके मारने वालों के लिए और उस तरह की कार्रवाई कराने वालों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर कानूनी जो है प्रक्रिया, जो मुल्क की है आज़ादगी, वो बाकी रहे। और जो आज़ादी आज़ाना जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं और उनके साथ इस तरह का अगर कोई व्यवहार करता है या प्रशासन इसको मारपीट करा के उनकी ज़बानों पर ताले डलवाना चाहते हैं, तो ऐसे संविधान को, ऐसे जो है कानून को जो है ख़त्म किया जाए और कानून को अपनी जगहों पर जहाँ सा वैसा रखा जाए, जिससे मुल्क की अमन अमान बाकी रहे, मुल्क बाकी रहे और मुल्क के अंदर सारे मज़ाहिब। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।